भगवान भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे, लेकिन बेहतरीन होंगे। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर आधा रास्ता पार करना पड़ता है। राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर भी वही निकलता है। अगर आप अपने सपने को पूरा नहीं करेंगे, तो कोई और आपको नौकर बनाकर अपना सपना पूरा करेगा। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। बड़े सपनों को पाने वाले हर व्यक्ति को सफलता और असफलता के कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग साथ छोड़ेंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर वही लोग कहेंगे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि एक न एक दिन तुम कुछ बड़ा जरूर करोगे। अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है, तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, उसे हम बनाते हैं अपनी मेहनत से, अपने लगाव से, अपने जुनून से। याद रखना, जिद्दी इंसान की जिद ही उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में ऑर्डिनरी लोग सोच भी नहीं सकते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और उम्र निकल जाए। जितना बड़ा सपना होगा, उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी, उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन अगर खुश रहना है, तो इस जमाने में किसी से भूल के भी कोई उम्मीद मत रखना। मत रोना किसी के छोड़ जाने से, वक्त ऐसा ला देना वो खुद मिलने आए तुमसे नए नए बहाने से। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली, वो कल जरूर बदलेगा, और जिसने नहीं बदली, उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। जिन लोगों को दुनिया बेवकूफ मानती है, वो लोग जब अपना करियर बनाने पर आते हैं, तो वे करियर नहीं सीधा इतिहास बनाते हैं। अरे, करियर तो उनके लिए बहुत छोटी चीज होती है। अपनी लाइफ में कुछ भी नया करते वक्त सोचो मत, ये मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख। अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। अगर आज आप समय का सही यूज कर रहे हो, तो आने वाले 5 साल के बाद आप खुद का एक ब्रांड होगे। आम लोग हफ्ते में 40 से 48 घंटे काम करते हैं, और मिलेनियर्स हफ्ते में 58 से 80 घंटे। आप अपने काम में जितना एक्स्ट्रा टाइम देंगे, वही आपको दूसरों से तेजी से आगे लेकर जाएगा। दूसरे आपको किस तरह से देखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप खुद को किस तरह से देखते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। वो क्या सफल होगा जो निर्भर हो गैरों पर, मंजिल तो उनको मिलती है जो चलता हो अपने पैरों पर। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपकी जिद हो, तो आप अपने हर सपने को हकीकत में बदल सकते हो। सिर्फ एक कोशिश की देर है। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो पहले इसका सही यूज कीजिए। आगे बढ़ना हो तो फालतू लोगों को सुनना बंद कर दो, वो केवल आपके आत्मविश्वास को कमजोर करेंगे। कुछ लोगों के शरीर में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। ऐसे लोग खराब कंडीशन होने के बावजूद भी कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। ये जो घड़ी है ना, वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे समय को कम करती जा रही है। फिर तुम क्यों कहते हो कि कल से करूंगा? समझदारी से हर दिन लिए गए छोटे छोटे एक्शन आपको कब सफलता तक पहुंचा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमें लक्ष्य प्राप्त करने के वक्त सिर्फ यही सोचना चाहिए कि अगर रास्ता मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रास्ता मैं खुद भी बना सकता हूँ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।